हेलो गैस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। में आज मैं आया हूँ अपना खेत के, और पानी ना होने की वजह से किसी तरह पटा के किसी तरह पानी जुगाड़ करके इसमें पानी लाए और खेत को तैयार कर रहे हैं आज। और आज हो सके रुपा जाएगा। पापा जी पूरा पाटा उटा मार रहे हैं, देख सकते हो पीछे तरफ पाटा उटा मार रहे हैं पापा जी। और हर जगह कहीं ना कहीं पानी नहीं है, यहाँ भी हम लोग गाँव तरफ भी पानी नहीं है। किसी तरह पानी पटाए, उसके बाद पानी किसी तरह किए और तैयार कर रहे हैं खेत को। तो हाँ दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं मेरे खेत को तैयार कर चुके हैं। तो हाँ गैस, देख सकते हैं मेरे बापू जी पूरा खेत को पाटा मार रहे हैं, तैयार हो चुका है, जुता चुका है, दो चास जुता चुका है और पाटा मरा रहा है। अभी पाटा मार के हो सके हम लोग बीड़ा उखाड़ेंगे फिर से। पिछले वीडियो में मैं तो देखा था किस तरह से बीड़ा उखाड़ने के लिए सीखा था, उसको दिखाया मैं आप लोग को। मैं तो बीड़ा उखाड़ने और बांधने के लिए भी सीख गया हूँ, बांधूँगा और उखाड़ूँगा साथ साथ में। फिर यहाँ से पूरा इसको तैयार करते हैं बापू जी, उसको दिखाते हैं आप लोग को। तो हाँ गैस, हम लोग यहाँ से पानी ले रहे थे, यहाँ सामने कुआं है, इस कुआं से पानी जा रहा था टुलू मशीन के द्वारा। ये सामने टुलू मशीन है, इसी से जा रहा था पानी, और पानी जा रहा था इसमें से। तो कुआं को भी पानी बहुत हटा चुका है और लाइट ना होने की वजह से अभी टुलू मशीन नहीं चल रहा है। फिर चलेगा, फिर एक से दूसरा खेत में पानी किया जाएगा। एक खेत में पानी हो चुका है, उसको तैयार कर चुके हैं हम लोग रोपा रोपने के लिए। एक्चुअली ना गैस, मेरे साथ ये हुआ, खेत कोड रहे थे उस समय। खेत कोड़ते कोड़ते मेरे कोड़ते कोड़ते समय अचानक कुदाल मेरे पैर के सामने आया और पैर का नाखून कबाड़ दिया है। दर्द दे रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है दर्द दे रहा है चलने के लिए। और दर्द दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से नाखून को लगा। उतना ज़्यादा नहीं लगा है, पर नाखून से ब्लड आ रहा था। तो हाँ दोस्तों, यही नाखून है जिसमें से कुदाल लगा था, जिसमें से ब्लड आ रहा था। देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक हो चुका है ऊपर में, काहे कि कादों का पानी घुस गया है इसमें, इसे ब्लैक ब्लैक लग रहा है और थोड़ा थोड़ा दर्द भी दे रहा है। क्या करेंगे दोस्तों, लगा उसके बाद इसमें से जाके घर में जाके कुछ मलहम पट्टी करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो, मेरी बहन और मेरी मम्मी रोपा रोपने के लिए आ चुकी है। बेड़ा पहले उखड़ा हुआ था, उसको खेत में ले जा रही है, फिर रोपेगी। और मेरे के लिए दतुआन ला दिए मम्मी, सब खाना वाना भी धीरे ला दिए होगी। देख सकते हो मेरी बहन फेंक रही है, उसको फेंकने वाला को दिखा बोल रही है देख सकते हो। अरे ये मम्मी है, बापू जी तो खेत को तैयार करके उधर ले जा रहे हैं, बैल को सामने वो दिख रहे होंगे, घर की ओर जा रहे हैं शायद। आज दुकान भी खोलना है, मार्केट है ना, शुक्रवार मार्केट। हाँ दोस्तों, मेरी मम्मी रोपा रोपने के लिए शुरू कर चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे। और छोटी बहन बीड़ा लेके जा रही है यहाँ से, वो भी रोपना शुरू करेगी और हो सके हम भी रोपे या तो बीड़ा उखाड़ें। तो हाँ दोस्तों, हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं अब। ब्रश व्रश कर लिए, मतलब जतन कर लिए हैं, खाने के लिए जाते हैं। जो खाने के लिए मम्मी सब लाई है, पता नहीं क्या क्या ला दी है, चावल होगा और कुछ सब्जी होगा किसी का, लाए खाते हैं, उसके बाद फिर से बीड़ा उखाड़ते हैं दोस्तों। बोलिए, पानी से हम लोग को ही पानी से धुआना है, जो दिख रहा है पानी सबसे धुआना है। खेत में कौन सा साफ़ सुथरा पानी मिलेगा, ही पानी से धुआएंगे फिर खाना पीना खाएंगे। पीने के लिए हो सके मम्मी सब लाई होगी किसी में, वो पीने के लिए हो जाएगा, धुआने के लिए ही सब पानी से धुआ लेते हैं मुंह को कान को, फिर खाने जाते हैं। हाँ गैस, धुआ चुके हैं हम, अब खाने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हो बाबू जी खाना शुरू कर चुके हैं, हम भी खाना निकालते हैं फिर खाते हैं। छिप्पर ई और किमल्ला छिप्पा। तो हाँ गैस, देख सकते हो माड़ लगा हुआ साग है, और ये रात का भूड़ू खुखड़ी बोलते हैं वो है, और चावल है, इसी में खाएंगे हम खाना। तो हाँ गैस, खाना वाना खा चुके हैं, पेट भर चुका है, अब काम करने लगते हैं, काम करने शुरू करते हैं और पूरा चाट चाट के खाएं, पूरा खाली कर चुके हैं। बहुत अच्छा हुआ, टिफिन भी खाली हो चुका है पूरा। अब चलते हैं बीड़ा उखाड़ने के लिए, पापू जी बीड़ा खाना शुरू कर चुके हैं। आज किसी तरह बीड़ा उखाड़ के ख़त्म करना है, कहीं कभी ना इसको, या तो इसको किसी को एक ट्रक पर ख़त्म करना है फिर। तो हाँ दोस्तों, बने रहे हैं आप लोग। एक्चुअली हाँ गैस, हम लोग बीड़ा आधा उखाड़ चुके हैं, थोड़ा 50% से कम बचा हुआ है, 30% आसपास बचा हुआ है। उसको मम्मी सब रोपा रोप को उखाड़ेगी, मैं बकरी चराने के लिए जाऊँगा, और मम्मी सब ये रोपा रोप रही है यहाँ पर, आधा कर चुकी है। अभी भी ये लोग को भी 50% लगभग बाकी है, और मैं चलता हूँ वहाँ पे। बाबा बोले कि मशीन को ढकना है, उसको मशीन को ढक लेंगे, बारिश वरिश होगी तो ख़राब हो जाएगी। पापा बोल रहे थे कि 1800 रुपये चूना लग चुका है, तो इसलिए उसको बचाना है। तो हाँ गैस, निकलते हैं यहाँ से हम लोग। तो हाँ दोस्तों, मेरी बहन को छोड़ के जा रहे हैं और मेरी मम्मी को छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पर रोपा रोप रही है देखो।
और मैं निकलता हूँ यहाँ से मशीन को ढकते ढकते हुए। तो हाँ गाइस, मशीन को ढक चुके हैं यहाँ पे, ढके फिर आप चलते हैं वहाँ, पॉल खींचेंगे फिर चलेंगे। तो हाँ गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ अपना बकरी को लेने के लिए और हाथ में गुलेल पकड़ रखा हूँ। जहाँ बकरी भागे गुलेल चलाऊँगा, और जहाँ चिड़िया उड़िया देखी तो भी चलाऊँगा गुलेल। और मैं बकरी छोड़ता हूँ, बकरी हल्ला कर रहा है, भूख लग रहा होगा, सुबह से छोरा नहीं है, छोरा कोई नहीं है, अभी हम छोड़ेंगे ले जाएंगे जंगल की ओर। देख सकते हो मेरी बकरी हल्ला कर रहा है, उठो रे, उठो 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 क्यों। तो हाँ दोस्तों, मैं जंगल की ओर आ चुका हूँ और बकरी भी आ चुकी है, बकरी के पीछे पीछे मैं आया। बकरी देख सकते हो यहाँ से चर रही है और मैं भी इसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ एक गुलेल पकड़ के। जहाँ बकरी भागेगी उस साइड में चलाऊँगा गुलेल को, ताकि उस साइड से पीछे आ जाए, और चिड़िया वगैरह दिखेगी तो भी, और कुछ जानवर वानवर दिखेगा तो भी चलाऊँगा। तो हाँ गैस, मैं बकरी को घर ले लाया हूँ, पानी उनी पिलाया। पानी पिलाते वक्त बकरी पूरा मार पानी गिरा दिया नीचे में, उसे सकड़ी वगैरह दिख रहा है। अब बकरी को अंदर करते हैं। चल चल, बकरी को पूरा अंदर कर चुके हैं दोस्तों, देख सकते हो पूरा। तो हाँ गैस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंडिंग करते हैं और आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।